हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज करते हुए सरकार का गठन कर लिया है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही लगातार सीएम नायब सैनी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। वहीं सूबे में पराली को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। पराली जलाने को लेकर विपक्ष लगातार सैनी सरकार पर हमलावर हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पराली जलाने को लेकर सीएम सैनी ने प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए पराली जलाने के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसी बीच नायब सैनी का एक बयान काफी चर्चाओं में है, जहां उन्होंने कहा है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के पराली प्रबंधन की तारीफ की थी। सरकार की तरफ से किसानों को 1000 रुपए प्रति एकड़ का प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसे भविष्य में और बढ़ाने की योजना है। इसके अलावा सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवश्यक हो तो सब्सिडी भी बढ़ाई जाए। आपको बता दें कि सरकार का ये कदम किसानों को पराली जलाने से रोकने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों का हिस्सा है। नायब सैनी ने किसानों से अपील की है कि वो पराली जलाने से बचें और सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएं। यही नहीं, 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब सरकार को लताड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए बिना ही उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। ऐसे में कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि पराली प्रबंधन के लिए लोगों को जागरूक करें। अब ये देखने वाली बात होगी कि पराली जलाने को लेकर जो सैनी सरकार ने कदम उठाए हैं, उससे प्रदूषण कंट्रोल होता है या नहीं।